हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? ये आधे किलो बड़े का गोश्त है, ये दाल है पाव भर। हमें चाहिए इसमें लहसुन अदरक, ज़ीरा, नमक, साबुत मिर्चे एंड प्याज। चलिए हम इसमें बनाते हैं। सबसे पहले हम कुकर में ये गोश्त डालेंगे, ठीक है। फिर हम ये दाल डालेंगे, हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जीरा, नमक, साबुत मिर्ची, एंड प्याज। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और चार से पांच इसमें हम लगाएंगे सीटी, ठीक है। देखिए गाइस, ये हमारा हो गया है। इसको हम ठंडा करके हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले ठंडा होने देते हैं। चलिए देखिए गाइस, ये हमारा दो तैयार है। अब हम इसमें क्या क्या चीजें डालेंगे? कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाला एंड अंडा, ठीक है। ये सब चीज़ें अब हम इसमें ऐड करते हैं। ये अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया एंड गरम मसाला एंड अंडा। ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसके बनाएंगे कबाब। अच्छे से मिक्स करके इसमें फिर हम बनाएंगे इसके कबाब, ठीक है। देखिए गाइस, मेरे कबाब रेडी हैं। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। आपको वैसे डीप फ्राई नहीं करने तो कोई नहीं, वैसे मैं ये डीप फ्राई कर रही हूँ। ये गरम हो गया है तेल मेरा। जैसे कि मैंने इसमें अंडा डाला है, बहुत से लोग अंडा नहीं खाते तो वो अंडा ना डालें, कोई वो नहीं है। और देखिए मेरे कबाब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। लीजिए, मेरे कबाब रेडी हो गए हैं। आप देखिए, आपको कैसे लगे मेरे कबाब? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।